ये कीमती पत्थर नेफ्राइट की एक किस्म है जिसे चीन में अकीदत की अलामत समझा जाता है। सात आठ साल हो गए यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकलते हैं और ये केजी के हिसाब से बिकते हैं। और बताइएगा सर कि इससे क्या क्या बनता है और दोबारा फिर हमारी मार्केट में भी ये आता है ये कम्प्लीट हो गए? सर ये चाइना लेके बड़े पत्थर लेके वहाँ से जेम्स में भी यूज होता है, ज्वेलरी में भी यूज होता है, मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ से बनती है। किस्म का यू समझ ले कि उसका मज़ा भी पत्थर है चाइना का, सारी दुनिया से मंगवाते हैं, पर जो पाकिस्तान से जो क्वालिटी आजकल निकल रही है वो कई दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, खासकर मोहम्मद एजेंस। अच्छा, यहाँ की जो सनती तरक्की है, यहाँ की जो लोकल मार्केट है, उसमें इसका कितना रोल है? कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, कितने लोग वाबस्ता हैं नेफ्राइट के एजेंस? सर भी जो अंबाव तहसील में आजकल छोटे बड़े जितने लोग हैं नेफ्राइट में ही काम कर रहे हैं। जी, नज़रें इस वक्त हमारी हैं इकनॉमिक सनती जोन के ऊपर। जो ही इकनॉमिक सनती जोन में यूनिट कायम हो जाएगा कटिंग का, इन प्रेशियस स्टोन का और नेफ्राइट जैसा पत्थर जब यहाँ प्रोसेसिंग से होके गुजरेगा तो उससे हम ज़रे मुबादला भी कमाएंगे और यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम आपको आप लिए चलते हैं इकनॉमिक सनती जोन की तरफ। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों